की बात एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बात करें तो वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है कमेटी जो है उसका गठन जरूर किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट जो है अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, जिस कारण जो है लगातार ये एस्पिरेंट्स जो है सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज आपको जानकारी दे दें कि पैंथर्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी जो हैं इन एस्पिरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेरोजगार नौजवानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तख्त बदल दो, पेश करो जस्टिस, 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 जस्टिस। सीबीआई है, उसने भी इस गल की कबूल किया कि इतने पर्चे बेचे जाते और 3-3 लाख रुपया नौजवान को लेता जाए करता नौकरी देने आस्ते। क्या अधिकार है सरकार की सत्ता च बने रहने का? मैं पूछना चाहना नरेंद्र मोदी जी तो सकते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ तो लूट मची हुई है और लगातार भर्तियों में धांधलियाँ की जा रही हैं, लूटपाट कितनी जाए कर दी है, चाहे वो पुलिस दियाँ भर्तियाँ हाँ, चाहे वो अकाउंट्स असिस्टेंट्स दियाँ हाँ, चाहे इंजीनियरिंग दियाँ हाँ। जब उन्दे आस्तै तुसें एक फैसला लिया तो फायर सर्विसेज का जिहड़ा सारे कोला पहले स्कैम उजागर होया और साढ़े पार्टी के साथी गगन प्रताप और उन्हें सबूतें समेत पेश किया कि एक बहुत बड़े पैमाने उपर एक स्कैम होया, एक बहुत बड़ा फ्रॉड होया, लेकिन वो बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार रखती कि इनक्वायरी करवा गए, एक्शन ले गए, कौन सा एक्शन आपने लिया है? भ्रष्टाचारियों को शह दी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और ये भ्रष्टाचारियों का राज नौजवान चलने नहीं देगा। ये हम ये साफ और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को। सर, सरकार ने जो है कमेटी का गठन भी किया है, रिपोर्ट जो है भी पब्लिक डोमेन में आ रही है। देखिए, एक ये कमेटियां बनती हैं, रिपोर्टें नहीं आती हैं इनकी, और लोगों को बचाया जा रहा है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। 30-30 लाख रुपए में आप नौकरी बेच रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बात कबूल की है, मानी है, और उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार में मुलफ्फिस हैं, जो नौजवानों को लूट रहे हैं, जो नौकरियों को बेच रहे हैं, वो आपके चहेते हैं, वो ब्लू आइड बॉयज हैं आप लोगों के, और सरकार उनको शेल्टर दे रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इस किस्म का व्यवहार जो है वो हम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार को समझना होगा, ये नौजवान है जो सरकार बनाते हैं, इन नौजवानों को देश का भविष्य कहा जाता है, और देश के भविष्य के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। नौजवान जब उठेगा इनकलाब आएगा। अब आप भ्रष्टाचारी आप एलजी प्रशासन से मांग क्या कर रहे हैं? एलजी से ये कहना चाहते हैं कि आपने यकीन दहानी दिलाई थी कि इंक्वायरी होगी और उसके बाद दोषियों को सजा भी होगी और नौजवानों के साथ इंसाफ होगा। इंसाफ तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन जो बेइंसाफी आप कर रहे हैं, नौजवानों को आपने सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, ये आपकी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये उस केंद्र की सरकार है जिसके नेता ये कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे। यहाँ तो भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है। आप जो नौजवानों के साथ जिस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से नौजवानों को लूटा जा रहा है, नौजवानों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, नौजवानों की नौकरियों को आप बेच रहे हैं, जिसका हक बनता है उसका हक छीन रहे हैं आप, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ नौजवान आज इकट्ठा हुआ है और ये कहना चाहता है कि इंसाफ हमें चाहिए और उसके लिए, इंसाफ के लिए हम किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।
पैंथर्स पार्टी जो है आज लगातार यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है और इन एस्पिरेंट्स को आश्वासन दे रही है कि पैंथर्स पार्टी जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, इनकी लड़ाई में जो है पूर्ण रूप से सहयोग देगी। और एलजी साहब से भी अपील की जा रही है, एलजी साहब से भी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इन एस्पिरेंट्स को जो है जस्टिस दिलाया जाए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यहाँ रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।